इबादत करें। वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, इसी की तर्जुमानी करते हुए शेख सादी ने कहा है। कभी हमारी मस्जिदों में ये अशआर लिखे होते थे, अब तो जरा तामीर मसाजिद का जौक भी मुख्तलिफ हो गया है। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी तो हमें मिली है बंदगी के लिए, अगर हम बंदगी ही ना करें खुदा की तो शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी है। ये जो एक लफ्ज है इबादत, अब मैं इसका थोड़ा सा तज्जिया करना चाहता हूं। इबादत किसे कहते हैं? इबादत का लफ्ज बना अब्द से, अब्द गुलाम, जिसका आज आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आज हमें जिसका तजुर्बा है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप का है। आपने किसी को बतौर मजदूर रखा है, शाम तक काम करना है, 100 रुपए देने हैं, वो आपका मुलाजिम है, गुलाम नहीं है। वो जब 8 घंटे पूरे हो जाएंगे सलाम करेगा और जाएगा। और अगर आपने किसी को रखा है खानसामा की हैसियत से और आप कहें भाई आज वो नहीं आई, भंगन वगैरह नहीं आई है, जरा जाओ हमारा वो टॉयलेट साफ कराओ, वो साफ कर देगा, जनाब मैं आपका खानसामा हूं, मैं टॉयलेट साफ करने के लिए मुलाजिम नहीं हुआ। तो लिमिटेड टाइम और फराइज भी लिमिटेड, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के हैं। वो फराइज अदा करने के बाद वो आपके बराबर का शहरी है, एक वोट आपका एक वोट उसका है, कोई फर्क नहीं आपके उसके दरमियान। गुलाम जो होता था अब वो आका का ममलूक होता था, मिल्कियत, और वो हमा तन हमा वक्त हमा जहत हुक्म मानने पर मजबूर था। रात को हुक्म दे रहा है तो नहीं कह सकते साहब आज तो अब तक रात का वक्त है आप क्या हुक्म दे रहे हैं, मैं तो नहीं मान सकता, मानना पड़ेगा किसी भी वक्त किसी भी नौयत का जो भी हुक्म दे। हमा वक्त हमा तन हमा जहत ताअत। और ये कि अगर आका ने कोई कोठड़ी दे दी है कि इसमें रात को सो जाया करो तो वो उसकी मिल्कियत नहीं हो जाती, मिल्कियत आका की है, वो खुद ही मिल्कियत अपने आका का है। कोई चारपाई दे दी है सो जाया करो तो वो उसकी मिल्कियत नहीं हो जाती। तुम भी अपने आप को किसी शय का मालिक न समझो। लिल्लाह है माफ समावात है माफ अर्ज, आसमानों में और जो कुछ है जमीन में वो अल्लाह की मिल्कियत। ये अब्दियत, यहां तक कि अगर आपको मालूम ना हो कि उस जमाने में आका को इख्तियार था जिस तरह